जय हिंद, नमस्कार। तो बिल्कुल हम यहाँ मोहम्मदपुर अपने नज़दीकी जो हमारे लगभग मार्केट हमारा पड़ता है और यहाँ से हमारे यहाँ पे सिस्टम भी आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा होगा। दिन रात सुबह से शाम तक सर आपका काम क्या होता है? फॉर्म चेक करना कि कौन सा रिजल्ट आया कौन सा नहीं आया, यही ना है। दिन भर का इनका लगभग ओवरऑल देखा जाए तो यही काम होता है। और इनसे भी हमने अभी बात करने का प्रयास किया, वैसे प्रिंसिपल साहब लोग का तो दो आदमी का काम तमाम करके अभी जस्ट आइए रहे हैं, निपटा के आ रहे हैं दो गो प्रिंसिपल लोगों को कि स्कूटनी का रिजल्ट आया है कि नहीं। लेकिन कुछ चुट्टा टाइप के प्रिंसिपल लोग हैं जिनका ये कहना है कि स्कूटनी का रिजल्ट आ गया है। हम सबसे एक मिनट बात करना चाहेंगे। अच्छा, स्कूटनी का रिजल्ट दे दिया है? स्कूटनी का रिजल्ट, ये जब भी रिजल्ट आता है, एडमिट कार्ड आता है, डोमी एडमिट कार्ड आता है या फिर अप्लाई होता है, जो काम होता है सब ए टू जेड ये करते हैं। तो स्कूटनी कैसे आया कि इनको मालूम नहीं है जो काम करते हैं। और प्रिंसिपल बैठे बैठे अब अपना ऑफिसवा में और इन्होंने घूमते घूमते सब कुछ जानकारी ले लिया है। बिहार में बोर्ड ऑफिस जो नंबर जारी किया है उस पर 100 बार लगाइएगा एक बार नहीं लगेगा। वो BSNL का पागल और चुतिया बनाने वाला नंबर जारी किया है तो उसका भी यही है। स्कूटनी का अप्लाई किए हुए हमको लगता है कि 1.5 से 2 महीना हो गया ना जी। 1.5 से 2 महीना के आसपास अप्लाई किए हो गया। अब 38 दिन में रिजल्ट आपका 16 लाख स्टूडेंट सबका दिया था। 16 लाख 38 दिन में रिजल्ट, 38 दिन मान के चलिए 38 से 40 दिन के आसपास में दे दिया था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये 25,000 स्कूटनी में अप्लाई किया है मैट्रिक वाला, और स्कूटनी का मतलब होता है कॉपी रीचेक वाला। तो सबसे पहले तो पागलपंथी ये है कि रिजल्ट इसको दे देना चाहिए पहले, बाद में कंपार्टमेंटल के लिए लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं दिया है कहीं पे भी, दूर दूर तक किसी भी साइड पे देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, साइड पे देख लीजिए कहीं दूर दूर तक कोई आता पता नहीं है। और जस्ट पागल बनाने का एक नतीजा ले लिया है। बिहार बोर्ड के हमारे कर्मचारी लोग भी हैं और कुछ चुनिंदा प्रिंसिपल लोग भी हैं जो ये मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो उपाय हम आप लोग को बोले हैं, जाइए पहले प्रिंसिपल लोग के रिलाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल देख लो ये बिहारी वाला गमछा, हम भी फॉर्मे में निकले हुए हैं, ठीक है। जितने भी प्रिंसिपल लोग आज मिले हुए हैं सबके काम तमाम करके ही आ रहे हैं। लेकिन जो काम आपको हम बता दिए हैं कि जाइए प्रिंसिपल लोगों से सिग्नेचर कराइए, फिर आपको DM के पास पहुंचना है कि पैसा दिए। अच्छा, स्कूटनी अप्लाई करने में कितना? 120 रुपया लगता है। 120 रुपया, और जो लोग अप्लाई करते हो उनका भी तो चार्ज होता है। चलाने 120 का कटा था कि पूरा ले देकर 120 है? 120 ही लगा था। ये पैसा ना दिए हैं, मुफ्त का तो नहीं है, मुफ्त का नहीं है। इसीलिए रिजल्ट तो हर हाल में लेना है, चाहे जैसे भी दे दें, ठीक है। इसके लिए आप लोग भी तैयार रहिए और हम पीछे हटने वाले नहीं। पहले जो कर रहे हैं वो करिए, DM साहब से सिग्नेचर लीजिए, उसके बाद कम से कम 20 से 40 के संख्या में, 50 के संख्या में अभी हम लोग चलेंगे ना तो बिहार बोर्ड में तहलका मचा के आ जाएंगे। छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना है कि रिजल्ट अब नहीं देगा, नहीं देगा उसको बाप से लिया जाएगा पैसा, चिंता मत करना, ठीक है। अगर पैसा हम लोग दिए हैं रिजल्ट के लिए तो रिजल्ट लेके छोड़ेंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रिजल्ट लिया ही।